आदाब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पलपल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार तस्वीरें जो देश से सामने आ रही हैं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की, हिंदू मुसलमानों के बीच एक ऐसी लकीर खड़ी करने की कोशिश की जा रही है जिससे सिर्फ और सिर्फ नफरत समाज में परोसी जा सके और उस नफरत का फायदा उठा करके जो भारतीय जनता पार्टी है, जो राजनीतिक पार्टी है, उसका फायदा उठाएं और अपने आप को सत्ता पर फिर से काबिज कर लें। क्योंकि 2022 में कई राज्यों में चुनाव होने हैं और उन राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर भी बात करना अब लाजमी हो चुका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आई कि मस्जिद में घुस करके इमाम के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया या जिला प्रशासन द्वारा मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, जबरन जो है किसी से जय श्री राम बोलने के नाम पर उसके ऊपर मॉब लिंचिंग कर दी गई, उसकी दाढ़ी काट दी गई। हर एक तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है जहां सांप्रदायिक सौहार्द लगातार बिगाड़ने की कोशिश भी हो रही है, तो वहीं इससे उल्टी तस्वीर जो है वो पंजाब से सामने आ रही है और पंजाब में 2022 में चुनाव होना है तो वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और नफरत फैलाने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा भी चढ़ रही है। सिख भाइयों ने एक बार फिर से एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जहां मुसलमानों को उनकी मस्जिद सौंपी गई है, उनकी मस्जिद को आजाद कराया गया है। क्या पूरा मामला है इसके बारे में भी बात की जाएगी, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले भी ऐसी ही तस्वीर सिख भाइयों के सामने आई थी और एक बार फिर से यही तस्वीर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब की एक मस्जिद में 74 साल बाद हुई नमाज अजान जैसे ही गूंजी तो पूरे शहर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। सिख महिला जो कि हैं अमृता कौर, लगातार इस मस्जिद की 74 साल से हिफाजत कर रही थी ताकि कोई भी माहौल बिगाड़ा ना जा सके। आपको बता दें कि पंजाब के पटियाला में देश की आज़ादी के बाद से बंद पड़ी एक मस्जिद में 23 जून को 74 साल बाद नमाज पढ़ी गई। इस मस्जिद की देखभाल 81 वर्षीय सिख महिला अमृता कौर कर रही थी। सिख आबादी वाली गांव में स्थित इस मस्जिद को अब गांव में रह रहे चंद मुस्लिम परिवारों के हवाले कर दिया गया है। आज़ादी के बाद गांव के लोगों के पाकिस्तान चले जाने के बाद से इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं था। अब गांव में 6 मुस्लिम परिवार रहते हैं। मस्जिद की मरम्मत का काम 21 वर्षीय अमृता कौर की ही देखभाल में शुरू हो गया था। लुधियाना के नायब शाही इमाम ने बताया कि जल्द ही औपचारिक रूप से इस मस्जिद का उद्घाटन भी किया जाएगा। इस मस्जिद का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी ने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ जंग का फतवा दिया था बल्कि उनसे जंग भी की थी। वे इस गांव में 2 साल रहे। ये मस्जिद लगभग 300 साल पुरानी बताई जा रही है। पंजाब के जिला पटियाला की तहसील पातड़ा के गांव शुत्राणा की इस ऐतिहासिक मस्जिद में 74 वर्षों के बाद पंजाब के नायब शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने नमाज अदा करवाई। पंजाब की इस संस्था मजलिस एहरार इस्लाम के प्रयासों से इस मस्जिद की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। मस्जिद की मरम्मत कराकर नमाज पढ़ने के बाद मस्जिदों में गांव वालों के साथ एक सभा भी रखी जाएगी जिसमें गांव के सिख बुजुर्ग, हिंदुओं और मुस्लिम परिवारों ने हिस्सा लिया। मस्जिद आबाद होने से गांव के सभी सिख परिवारों ने खुशी का इजहार किया है। पंजाब के नायब शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी ने बताया है कि ये मस्जिद तकरीबन 300 साल पुरानी है जो कि 1947 के बाद से बंद पड़ी थी। मस्जिद की देख रेख पिछले 40 वर्षों से गांव की एक 81 वर्षीय सिख महिला अमृता कौर कर रही थी। उन्होंने बताया कि जब अमृता कौर की ही देखरेख में मस्जिद की मरम्मत का काम शुरू किया गया, जल्द ही औपचारिक रूप से इस ऐतिहासिक मस्जिद का उद्घाटन किया जाएगा। शाही इमाम ने बताया कि 1857 में पंजाब के महान क्रांतिकारी मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी यहां पहुंचे थे और इस गांव के राजपूतों ने अपनी जान पर खेलकर उनके साथ अंग्रेजों की फौज का मुकाबला किया था।
शाही इमाम ने कहा कि गांव के लोगों ने जिस मोहब्बत और जोश के साथ मस्जिद के निर्माण में हमारा साथ दिया है और दे रहे हैं, उसे देखकर 1857 का समय याद आ गया है, जब सभी मिलकर एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसकी गवाह ये ऐतिहासिक मस्जिद है। मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद हुई सभा में गांव के सभी लोग शामिल हुए, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर नरेश सिंह, सरपंच गुरमुख सिंह, सरदार कर्नेल सिंह, श्री मोहन लाल, लाली राम, अमृता कौर और कारी मोहम्मद याकूब मंसूरपुरी थे। सभा को संबोधित करते हुए कहा गया कि नायब इमाम ने कहा कि इस ऐतिहासिक मस्जिद में गांव के हिंदू सिख भाई बहन की एकत्रित हुए हैं। आज का दिन बरकत और रहमत वाला है, क्योंकि मुद्दतों बाद खुदा को इस घर के दरवाजे एक बार फिर से हर एक के लिए खुल गए हैं। मोहम्मद याकूब मंसूरपुरी ने बताया कि मस्जिद देखभाल करने वाली अमृता कौर पिछले 40 वर्षों से यहीं रह रही हैं। इससे पहले अमृता कौर के माता पिता इसकी देखभाल करते थे, जिनका अब देहांत हो चुका है। उन्होंने बताया कि अमृता कौर के लिए मस्जिद की ज़मीन पर ही एक घर बनाया जा रहा है, जल्द ही उनका घर तैयार हो जाएगा, वे आजीवन यहाँ रह सकेंगी। अभी हाल ही में पंजाब से ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जहां पर पंजाब में कई बंद पड़ी मस्जिदों को मुसलमानों के सुपुर्द कर दिया गया था, साथ ही उन मस्जिदों को या तो पुनर्निर्माण कराया या निर्माण कराकर मुसलमानों को सौंप दिया गया था। पंजाब के मोगा जिले के बलूर गांव में पिछले दिनों एक मस्जिद की नींव रखे जाने के कार्यक्रम में अचानक तेज बारिश होने लगी, जिसके बाद गांव के सिखों ने कार्यक्रम को गुरुद्वारे में आयोजित कराया। सिखों ने मस्जिद की नींव रखे जाने के अवसर पर बाहर से आए मुस्लिम मेहमानों को लंगर में खाना भी खिलाया। सिख मुस्लिम भाईचारे की इस मिसाल को काफ़ी सराहा गया। मस्जिद की नींव रखने के समय बारिश होने के कारण सिखों ने गुरुद्वारे में इस कार्यक्रम को आयोजित तो कराया ही, साथ ही बाहर से आए मुसलमानों को खाना खिलाया और मस्जिद में हर प्रकार की सुविधा जो है, जो भी कमी हो रही थी, उसको मिल करके मुसलमानों के साथ मस्जिद को कायम तकसीम करने का काम भी सिख भाइयों द्वारा किया गया है। और एक बार फिर से इन नफरत के सौदागरों के मुंह पर एक करारा तमाचा जो है पंजाब से चढ़ा गया है, जहां सिख मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कायम की गई है और दोनों समुदाय के लोगों ने एक साथ आकर के ये मैसेज इस नफरती सरकार को दे दिया है। जहां मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, वहां सिख भाई पंजाब में कई सालों से पड़ी मस्जिदों को मुसलमानों के सुपुर्द करके एक मिसाल कायम कर रहे हैं, जहां उनका खुले तौर पर यह कहना है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, पर यह नफरती सरकार इसे तोड़ने का काम कर रही है, जो हम हरगिज नहीं होने देंगे। पंजाब से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।